हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है रूपा का घर और इधर अभी सुबह का वक्त है। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर रूपा जग चुकी है और रूपा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अरे रूपा, आज तुम रेस्ट करना, सारा घर का काम आज मैं करूँगा और घर पे झाड़ू भी मैं दूँगा। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें चोट भी लगी है, तुम आज आराम करना, मैं सारे घर का काम करूँगा, घर पे झाड़ू भी दूँगा। अरे नहीं नहीं श्याम, आप कैसे कर सकते हैं, मुझे करने दीजिए ना प्लीज। आप मेरे रहते हुए आप कैसे काम कर सकते हैं। अरे नहीं रूपा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी है हाथ पे सर पे, तुम रेस्ट करो, आज मैं सारा घर का काम करूंगा, मैं घर पे झाड़ू दूंगा। अरे झाड़ू कहाँ है बता दो। अरे सोफे के पास है श्याम। ठीक है मैं जल्दी से झाड़ू लेकर आता हूँ। अरे ये रहा झाड़ू, आज मैं सारे घर पे झाड़ू दूंगा, सारा काम करूंगा, आज मैं खाना भी बनाऊंगा। और इधर श्याम सारे घर पे झाड़ू देने लगता है। चलो मैं जल्दी से सारे घर पे झाड़ू दे देता हूँ और साफ कर देता हूँ। आज रूपा को पूरा रेस्ट करने दूंगा, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है लेकिन बिल्कुल कहती नहीं है रूपा। तबीयत खराब होने पर भी हमेशा सारा घर का काम करती रहती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। और इधर श्याम सारे घर पे झाड़ू देने लगता है। और इधर झुमरी को भी भूख लगने पर झुमरी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे झुमरी चुप हो जा, कितना चिल्ला रही है बाबा, चारा दे रही हूँ। हमेशा इसे जब भी भूख लगती है तो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे नहीं नहीं रूपा, तुम बैठो, मैं झुमरी को चारा दूंगा, आज मैं सारा घर का काम करूंगा, तुम बस मुझे बताओ आज क्या खाने में बनना है, मैं तुरंत ही खाना बना देता हूँ। क्या बनाऊं रूपा आज तुम्हारे लिए बताओ। अरे श्याम रोटी और आलू की सब्जी बना दीजिए। ठीक है मैं बना दूंगा, और कुछ काम है बताओ। अरे हाँ हाँ श्याम, आज तो सोनम का पोलियो है और डॉक्टर भी बोली थी उसे पोलियो देना है, और ये सोनम तो कितना परेशान करती है पोलियो लेने में, मैं कैसे उसे पोलियो दिलाऊं। ठीक है कोई बात नहीं रूपा, आज मैं रह जाता हूँ छुट्टी करके घर पे, सोनम को पोलियो देना जरूरी है और मुझे पता है ये लड़की ना पोलियो लेने में कितना दिक्कत करती है, उसे तो इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। कोई बात नहीं मैं खाना बना देता हूँ, डॉक्टर आती होंगी तब तक मैं सोनम को लेकर पोलियो दिलाऊंगा। और इधर श्याम खाना बनाने के लिए जाने लगता है। अरे आज तो श्याम मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं, घर का सारा काम कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ श्याम जैसा हस्बैंड पाकर। और इधर रूपा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इधर सोनम की नींद खुल जाती है। अरे उठ जाती हूँ, सुबह हो चुकी है। और इधर सोनम उठ जाती है। अरे मम्मी गुड मॉर्निंग, आपकी तबीयत ठीक है ना। अरे हाँ सोनम बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारी पोलियो है, आज तुम्हें पोलियो लेना है। अरे नहीं मम्मी, मुझे नहीं पोलियो लेना, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है मम्मी, प्लीज मम्मी। और इधर सोनम पोलियो की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। प्लीज मम्मी मुझे पोलियो मत दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा सोनम बेटा, ज्यादा मत डरो, कुछ नहीं होगा, जाओ आराम से फ्रेश होकर आ जाओ, गुड गर्ल बन जाओ जल्दी से, ठीक है तुम्हें पोलियो नहीं देंगे। ये थैंक यू मम्मी, मैं जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आ जाती हूँ। और इधर सोनम ब्रश करने के लिए चली जाती है। चलो मैं रोटी बना लिया हूँ, बस आलू की सब्जी बन जाए तो मैं रूपा को खाने के लिए दे दूंगा।
टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाती, प्रेग्नेंट है, उसे टाइम पे खाना भी चाहिए लेकिन घर के काम के लिए बिल्कुल टाइम पे खाना नहीं खाती। आज से मैं रूपा का ख्याल रखूंगा, चलो जल्दी से बना लेता हूँ आलू की सब्जी। और इधर डॉक्टर गुप्ता रूपा के घर आ जाती हैं। अरे रूपा रूपा जल्दी सोनम को बुलाओ, मुझे उसे इंजेक्शन देकर पोलियो देकर जाना है, गांव में सारे बच्चों को पोलियो देना है, मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो रही है, जल्दी से सोनम को बुलाओ, मुझे पोलियो देकर जाना है। अरे हाँ हाँ डॉक्टर गुप्ता आप थोड़ा सा रुकिए, सोनम आती होगी, आप उसे पोलियो देकर चली जाना। ठीक है मैं इंतजार करती हूँ, जल्दी से उसे बुलाओ। और इधर सोनम फ्रेश होकर आ जाती है और डॉक्टर गुप्ता को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे मम्मी मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, मम्मी आप तो अभी मना कर रही थी, प्लीज मम्मी मुझे नहीं लेना, नहीं लेना मम्मी। और इधर सोनम डरकर भागने लगती है, नहीं लेना मम्मी प्लीज मुझे नहीं लेना इंजेक्शन। अरे सोनम बेटा कुछ नहीं होगा, रुको ये लड़की भी ना अभी कितना परेशान करेगी, पोलियो लेने में इसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। अरे सोनम बेटा पापा की बात सुनो, कुछ नहीं होगी, इधर आओ, कुछ नहीं होगा। और इधर श्याम सोनम को गोद में ले आता है। अरे डॉक्टर मेरी बेटी बहुत ही बहादुर है, वो बिल्कुल भी नहीं डरती इंजेक्शन लेने में और पोलियो लेने में, आप जल्दी से इंतजाम करिए उसे इंजेक्शन देने में, मेरी बहादुर बच्ची है नहीं डरेगी। अरे सोनम बेटा तुम मेरी बहादुर बच्ची हो ना। अरे हाँ हाँ पापा मैं आपकी बहादुर बच्ची हूँ, लेकिन मेरे को इंजेक्शन लेने में बहुत ही डर लगता है और मेरे को कमजोर भी लगता है, मेरा सर चकलाता है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी पापा तुम्हारे लिए अभी एनर्जी ड्रिंक ले आएंगे, 10 मिनट इंतजार कर लो। जी मैं लेकर आता हूँ एनर्जी ड्रिंक। रूपा सोनम का ख्याल रखो और उसे इंजेक्शन लेना है, मैं अभी एनर्जी ड्रिंक ले आऊंगा, मेरी बच्ची एनर्जी ड्रिंक पी कर ले लेगी इंजेक्शन, कुछ नहीं होगा। ठीक है पापा। ठीक है डॉक्टर गुप्ता अब सारी तैयारी करिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। अरे श्याम को तो पता है बच्चों को कैसे पटाते हैं, अच्छी बात है, जल्दी से श्याम आ जाओ, मैं तुरंत इंजेक्शन देकर निकलूंगी, और भी गांव जाना है। और इधर श्याम एनर्जी ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है और इधर डॉक्टर गुप्ता अपने फर्स्ट एड बॉक्स से इंजेक्शन निकाल लेती हैं। और इधर सोनम बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे सोनम बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मी है ना, कुछ नहीं होगा, तुम तो बहादुर बच्ची हो, इंजेक्शन ले लोगी। श्याम एनर्जी ड्रिंक ले आता है, जल्दी से लेकर जाता हूँ। देखो सोनम बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक ले आए हैं, तुम जल्दी से इंजेक्शन ले लोगी और फिर एनर्जी ड्रिंक पी लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा सर भी नहीं चकराएगा, तुम तो बहादुर बच्ची हो मेरी। और इधर श्याम 3 एनर्जी ड्रिंक ले आता है और इधर सोनम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है पापा मैं अभी इंजेक्शन ले लूंगी। ठीक है गुप्ता आंटी आप मेरे को इंजेक्शन दे दीजिए, मैं नहीं डरती इंजेक्शन से। अरे वाह वेरी गुड, जल्दी से इस शोपे में लेट जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगी। चलो मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ चलो अब मैं दे रही हूँ इंजेक्शन। और इधर डॉक्टर गुप्ता सोनम को इंजेक्शन लगा देती हैं और इधर सोनम खुशी खुशी इंजेक्शन ले लेती है। अरे मम्मी बहुत ही ज्यादा दुख रहा है मम्मी मम्मी। अरे कुछ नहीं होगा सोनम बेटा, बस हो गया हो गया। अरे वाह सोनम तो बहुत ही बहादुर बच्ची है, अरे खुशी खुशी इंजेक्शन ले ली। और इधर सोनम खुशी खुशी इंजेक्शन ले लेती है और डॉक्टर गुप्ता सोनम को इंजेक्शन लगा देती हैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है गीता का घर। गीता का घर अभी सुबह का वक्त है और इधर गीता बैठी हुई है, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे मैं जल्दी से सारे घर के काम खत्म कर देती हूँ, सोनम आती होगी ट्यूशन से, आज चीकू का इंजेक्शन भी लेना है पोलियो इंजेक्शन, मुझे बहुत ही ज्यादा काम है, मैं काम करती हूँ सोनम के ट्यूशन से आने से पहले मैं घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो चीकू इंजेक्शन लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देगा,
ये तो पोलियो जब लेता है मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। मैं जल्दी से सारे काम खत्म कर लेती हूँ। और इधर गीता सारे घर पे झाड़ू देने लगती है। चलो मैं जल्दी से झाड़ू दे देती हूँ, झुमरी को भी भूख लगी है, झुमरी को भी चारा देना है। और इधर सोनम ट्यूशन से आ जाती है। अरे मम्मी मम्मी, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दीजिए। आज तो ट्यूशन से आते समय बहुत ही ज्यादा लेट हो गई। आज तो मैडम बहुत ही लेट से मेरे को ट्यूशन से छोड़ी है। मम्मी मेरे को बहुत ही तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दीजिए। अरे हाँ हाँ सोनम बेटा तुम बैठो। अरे हाँ हाँ सोनम बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हें खाना देती हूँ, तुम खा लेना। अरे ये सोनम भी आ गई है, चलो इसे खाने भी दे देती हूँ, मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे। नर्स दीदी आएंगी तो चीकू को पोलियो दे देंगी। ठीक है सोनम बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। चलो मैं जल्दी से सोनम को खाने दे देती हूँ। ट्यूशन से आ गई है मेरी बच्ची, भूखी हो गई है, मैं जल्दी से सारे खाना निकाल कर सोनम को दे देती हूँ। और इधर गुड्डू दौड़ता हुआ सोनम के घर आ जाता है। सोनम 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 मुझे बचा लो, सोनम मुझे बचा लो। अरे गुड्डू क्या हुआ, तुम इतना तेज भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ गुड्डू? अरे सोनम मुझे कहीं छुपा लो, सोनम प्लीज छुपा लो मुझे कहीं, प्लीज प्लीज। ठीक है गुड्डू आ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, क्या हुआ है पता नहीं, इतना देर से इतना तेज क्यों दौड़ कर गुड्डू आया मेरे पास। ठीक है गुड्डू आ जाओ, चेयर पे बैठो, क्या हुआ है तुम्हारा? और यहाँ पे गुड्डू चेयर पे आकर बैठ जाता है। अरे सोनम कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं दौड़ कर आ गया तुम्हारे घर, बस मुझे यहीं रहने दो। ठीक है गुड्डू यहीं बैठो। अरे कुछ तो बात है, ये गुड्डू मेले से छुपा ला है, लगता है ये कुछ करके आया है, कुछ तो बता भी नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है गुड्डू बैठो, हम साथ में अभी खाना खाएंगे, मम्मी खाना लेकर आ रही हैं। और इधर भोला भी दौड़ते हुए गीता के घर आ जाता है। अरे गुड्डू बेटा कहाँ है तू, कितना परेशान कर रहा है, यहीं होगा सोनम के पास, यहीं कहीं होगा। अरे गीता तुमने गुड्डू को देखा है क्या? अरे नहीं भोला भैया, क्या हुआ है, आप इतना तेज दौड़ कर क्यों आए हैं, क्या हुआ है? अरे ये गुड्डू ना कितना परेशान करता है, पोलियो इंजेक्शन लेना था उसे, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं लेगा, इसीलिए तुम्हारे घर पे आकर छुपा है शायद। अरे मैं तो देखी नहीं हूँ, रुके भोला भैया मैं देखती हूँ, आज चीकू को भी इंजेक्शन लेना है। कोई बात नहीं, अगर गुड्डू आया होगा तो यहीं पे इंजेक्शन दिलवा दूंगी उसे, आप परेशान मत होइए। अरे हाँ हाँ गीता आओ ना, थोड़ा देखो गुड्डू है या नहीं, मैं देखता हूँ। और इधर भोला गुड्डू को खोजता हुआ गीता के घर आ जाता है। अरे गुड्डू तू यहाँ पे आकर बैठा है सोनम के पास, कितना मेरे को परेशान कर रहा है, अपने पापा को प्लीज इंजेक्शन ले लेना। नर्स दीदी कब से तेरे पीछे भाग रही है और तू है कि हमें परेशान करने में तुला है। अच्छा गुड्डू तुम्हें इंजेक्शन नहीं लेना, इसलिए यहाँ पे आकर छुपा है। अरे अंकल मैंने बार बार पूछा गुड्डू को क्या हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं बताया। अरे हाँ सोनम बेटा इसे तो पता, तुम्हें तो पता है ना उसे इंजेक्शन से कितनी डर लगती है, इंजेक्शन नहीं लेना है इसलिए आकर यहाँ छुपा है। और इधर नर्स दीदी गुड्डू और भोला के पीछे पीछे गीता के घर आ जाती हैं। अरे भोला भैया गुड्डू मिला कि नहीं, मैं कितना भागूंगी आपके पीछे, मुझे और नहीं जाना। अरे गीता के बेटे को भी देना है, मैं यही चीकू को भी इंजेक्शन दे दूंगी। अरे हाँ नर्स दीदी गुड्डू यही है, आप यही उसे इंजेक्शन दे देना, अब ये कहीं नहीं जाएगा, उसे यही इंजेक्शन दिलवाऊंगा, यही इंजेक्शन दिलवाना है, यही दिलवाऊंगा मैं, बहुत भगा लिया ये गुड्डू मेरे को और तुम्हें, तुम नर्स दीदी यही उसे इंजेक्शन दे देना। अरे हाँ हाँ अरे गीता आ जाओ, तुम्हारे बेटे को भी ले आओ, आज उसका भी पोलियो है, उसे भी पोलियो इंजेक्शन लगा देती हूँ। अरे चलो नर्स दीदी आ गई, मैं गुड्डू को और चीकू को भी इंजेक्शन लगवा देती हूँ।
नहीं पापा, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, नहीं नहीं इंजेक्शन नहीं नहीं। अरे गुड्डू बेटा, तुम तो बहादुर हो, देखो चीकू कितना छोटा है, वो अभी ले लेगा इंजेक्शन, तुम तो उससे कितने बड़े हो, तुम भी ले लेना, तुम तो बहादुर बच्चे हो, नहीं डरते गुड्डू बेटा। नहीं नहीं सुई नहीं, नहीं सुई नहीं। और इधर गीता चीकू को ले आती है। अरे नर्स दीदी, दे दीजिए चीकू को इंजेक्शन और गुड्डू भी ले लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, गुड्डू तो बहादुर बच्चा है, नहीं डरते गुड्डू बेटा, इंजेक्शन ले लेना तुम। नहीं इंजेक्शन नहीं गीता आंटी, इंजेक्शन नहीं। अले मेला गुड्डू, मेरा प्यारा बच्चा है ना, तू पापा को परेशान नहीं करते, गुड्डू बेटा इंजेक्शन ले लेना, कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारा छोटा भाई चीकू भी इंजेक्शन ले रहा है, तुम तो उससे बड़े हो, बहादुर बच्चे हो, बहादुर बच्चे नहीं डलते। ठीक है आंटी। और इधर गुड्डू इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। अरे थैंक यू गीता, तुम जब भी गुड्डू को इंजेक्शन लेने के लिए बोलती हो गुड्डू मान जाता है, लेकिन इंजेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान करता है मेरे को। अरे नर्स दीदी जल्दी से लगा दीजिए चीकू और गुड्डू को इंजेक्शन। अरे हाँ हाँ मैं अभी इंजेक्शन दे देती हूँ। और इधर नर्स दीदी गुड्डू और चीकू को इंजेक्शन देने लगती है। आंटी बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है। अरे गुड्डू बेटा कुछ नहीं होगा, बस हो गया, थोड़ी देर हो गया। और इधर नर्स दीदी दोनों को इंजेक्शन लगाने लगती हैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।